लेते हैं, सब बात लेते हैं, लेकिन छात्र के बारे में एक बार भी नहीं बोलते हैं कि देश के छात्र अभी रोड पे है, कोई सुनने वाले नहीं है। ये गुंडी बहरी सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, इसीलिए आज हम लोग रोड पे है और राजभवन घेरने का काम कर रहे हैं। हमारी मांगे यही है कि यहाँ नीट एग्जाम में जो धांधली हुआ है दोबारा से छात्रों के लिए री एग्जाम कराया जाए, ठीक है, और जो खर्चे हमारे हो गए हैं, जो फॉर्म भरने में हम लोग पैसे दिए हैं, उसे दोबारा सरकार हमें मुहैया कराए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम मार्च करेंगे, क्योंकि हम छात्राओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। हम खुद एक पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज आए दिन क्या हमारे समाज में छात्राएं सुरक्षित है? कोई भी छात्र सुरक्षित नहीं है। हम पूछते क्यों? लोग सरकार आपकी, लोकतंत्र आपकी, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, तो हमेशा हम ही लोग के साथ अन्याय क्यों होता है? हम पूछना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट से, क्यों अन्याय हो रहा है? बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो 75% जो आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आखिर क्यों नहीं उसे नवीं अनुसूची में आप लोग शामिल कर रहे हैं? मेरी मांग यही है। और यहाँ तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय में अभी तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है, आखिर क्यों? आज हमें पढ़ने में तमाम तरह की पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कुलपति के कारण। चौथी सबसे बड़ी मुद्दा है, अभी तक छात्र संघ में चुनाव नहीं हो रहा है, क्यों? जब हमारे यहाँ छात्र प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, जब यहाँ चुनाव नहीं होगा, तो फिर कैसे क्या होगा? हमारी समस्याओं को कौन सुनेगा? पांचवी सबसे बड़ी मांग है हमारी कि भ्रष्टाचार और करप्शन जो इतने आगे लेवल पे बढ़ा हुआ है, 11 दिन में 5 फूल गिर रहा है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? टैक्स पेयर हम लोग है, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग पे करते हैं। आज 5 रुपया का सामान भी खरीदते हैं, फिर भी 1-2 रुपया टैक्स देते हैं, तो भाई कौन है इसके जिम्मेदार? जो हमारे जो भविष्य को अंधकार में रखा हुआ है, कौन है इसके जिम्मेदार? हमारी मांगे यही है कि हमारी मांगे पूरी की जाए और नीट दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। देखिए, हमारा मांग है कि नीट एग्जाम रद्द हो और पुनः जो है एग्जाम सही तरीके से हो, जो भी दोषी है दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिहार में 75% आरक्षण जो रद्द किया गया है, पुनः 75% आरक्षण जो है लागू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति हो, सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। 18% जो GST शिक्षा पे है, हमें GST मुक्त जो है शिक्षा चाहिए पूरे देश में। इंडिया पहला ऐसा देश है जहां जो है शिक्षा पे GST है, पूरे दुनिया में कहीं शिक्षा पे GST नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। हम लोग का मांग है केंद्र सरकार से, देश और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हम लोग मांग करते हैं कि जो है हम लोग को न्याय मिले, नीट एग्जाम रद्द हो, पुनः सही तरीके से एग्जाम हो और जो GST 18% उसे रद्द हो।